हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सॉल्यूशन। क्लास 12 का चैप्टर है सॉल्यूशन केमिस्ट्री। और सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हमें जो डील करना होता है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स हमें आनी चाहिए, बिकॉज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ती है इन द न्यूमेरिकल्स। तो जो मेन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी आपके साथ में। सबसे पहले तो आएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन क्या है? तो मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि हम लीटर में लेंगे। तो जो भी सॉल्यूट हमने डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर हमारी 2 मोलर आ रही है, या इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 moles per liter, ये यूनिट्स हैं मोलैरिटी के, मोलर या मोल पर लीटर। तो व्हाट डज इट मीन, 2 मोलर का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स आई हैव 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सिमिलरली देयर इज अनदर टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। This term is called normality. Normality of any solution is number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter. और इसके units जो रहेंगे वो हैं gram equivalents per liter. ये हैं इसके units normality के. Okay, अगर हमको number of moles निकालने हैं तो number of moles of any substance is equal to given mass divided by molar mass. जैसे I have 12 gram glucose और मुझे निकालने हैं इसके number of moles. What I will do? I will divide this 12 gram with molar mass of glucose. अब molar mass of glucose यानी C6H12O6 it is 180 gram per mole. Okay? और इसको हम कैसे निकालते हैं? कार्बन मोलर मास 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन मोलर मास 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन मोलर मास 16 × 6 एंड इट कम्स आउट टू बी 180। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास और उसको हम डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसके मोलर मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जैसे मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आई विल डिवाइड मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद इट्स वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल एच पॉजिटिव आयंस, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमें 2H+ देता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। सो H2SO4 अगर मेरा सल्यूट है और मुझे इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो आई विल डिवाइड इट्स गिवन मास विद इट्स इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे हम इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे और इससे फिर नॉर्मेलिटी हम इसकी निकाल सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। आई विल कम बैक विद मोर कंसंट्रेशन टर्म्स।